मामा तुमने मुझे बारेपन से पाला है। बारेपन से पालो मामा, ये क्या कर रहे हो? अच्छा लगा की सेवा कर। ये सेवा है माने पीछे से बड़े आगे बढ़े। अबे चल ले। हाँ मामा देख माले हमने तो छूट दे रखी जब बात की। हाँ किस बात की? अब देख अब हिंदा हम लोग चल रहे हैं। मामा पहले एक बात हमें बताओ। सुन पहले मेरी बात सुन। हाँ ये जहाँ जाए हिंद जब चलते हम यहाँ पर हम हगन करते हैं। हगन करते हो ना? हवन हवन। ये जो कुंड बने हैं हाँ ये समुद्र के किनारे यहाँ हवन पूजा करके जाते हो? हवन पूजा करते तब आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात है लला। हाँ मामा तुम्हारी इच्छा का कहते? मेरा तो मन ये कह रहा है कि मामा आप जब भी आते थे यहाँ हवन पूजा करके उसके बाद में काशी में प्रवेश करते हो। हाँ आज मैं तुम्हारे साथ में आया हूँ, अगर मामा मैं कोई चीज को सीखूंगा नहीं तो कल को जब तुम नहीं रहोगे फिर भला ये काम कौन करेगा? तो ठीक है बेटा एक बात तुम्हें हम बताते हैं। हाँ जितने जे मेरा मिष्ठान है जहाज में एक एक बोरा में कोई मेवा मिष्ठान ना भा और सब मेवा मिष्ठान नै करके चढ़ाए हो तुम। ठीक है मतलब ये है तुम्हारे कहने का कि आज का हवन पूजा हमारे ऊपर छोड़ रहे हो? तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे और कोई मेवा मिष्ठान बच ना रहा। जितनी जहाजों में मेवा मिष्ठान भरी पड़ी है हाँ सब चढ़ाए, थोड़ी थोड़ी करके सब चढ़ा दें। सब चढ़ाया थोड़ी थोड़ी करके सब चढ़ा दियो। समझ गए? समझ गया मामा। थोड़ी थोड़ी करके सब में से थोड़ी थोड़ी करके सब चढ़ा दे। अब लला हमें लगी है नींद। लला हाँ तू कुछ लाओ। काय के लिए? कोई संग लाओ, कोई है कुछ संग सोने के लिए? हाँ। मामा बिस्तर वहीं पड़ा है उसी में सो जाओ। ठीक रहे मामा जी तुम्हारी आदत नहीं गई। आज बनिए सो जाते हैं समुद्र पर। राजा नल विचार करते हैं कि मामा ने कहा था कि आज की हवन पूजा तुम्हारी सुपित रहे, तो आइए मैं यहाँ का कार हमारे ऊपर मामा ने जो सौंपा है उसे मैं अवश्य करूँगा। आज राजा नल समुद्र पर हवन करने की तैयारी करने लगे हैं। क्या किया? अरे थोड़ी थोड़ी मेरा राजा नल ने देखे खा खा।
ग्रहण कर रहे हैं। हमारे देवर जी लगते हैं शहबाजपुर निवासी, सही काम दीपा के घर से हैं। ये 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे, पार्टी धनबाद देती है। और भाई इधर क्या हुआ, जो हवन की सामग्री रखी हुई थी, राजा ने विचार करते हैं कि मामा ने कहा था हवन कर दो, तो चलो हवन भी करते चले। मास्टर हवन की सुगंध अंबर में छाई, बहे सुगंध हसंदाई, हवन सुगंध अंबर में छाई, मैं सुगंध हंसन में पाई, बहे सुगंध हंसन में पाई, रैन बसेरो जाजा में कर जाए। भैया हमारे हैं, और ये अरविंद भैया हमारे, यादव जी हमारे तत्रीन वासी हैं, ये कलम में पुरस्कार दे रही है, लेकिन यही हमारे तत्रीन वासी मास्टर साहब, हेलो कहते हैं बड़ी अच्छा प्रवाद। हेलो मास्टर उस्ताद, इधर राजा लोग समुद्र पर जहाजों पर सो जाते हैं, उधर सुबह हो जाता है। मास्टर आर ढोला
हमारे रोहित यादव भैया मारे हैं और रणजीत यादव भैया मारे, ये 50-50 रुपए का पुरस्कार हमारे कलम दे रहे हैं और भैया से कहना उस्ताद कौन कहा था यार भैया, सही कहा था, बिल्कुल सही कहा थे, कौन कहा था भैया, भैया कहते खूब करवाते रहिए तो भैया जी, कौन है भैया, कौन रोहित भैया है, कहाँ के हैं, जिटाणी वाले भैया है, खा गंगा किसम भैया है, खा गंगा किसम है, और ये बनवारी लाल भैया हमारी है कठेगरा निवासी 50 रुपए मास्टर नथनिया सोनकी बनवारी अरविंद नथनिया सोनकी अपने अपनी भैया है नेताजी कलम बंद है ग्राम सुल्तानपुर के रहने वाले हमारे दीपू के फूफा श्री हैं, ये 50 रुपया अभी मैं जो काम कर रहा था उस काम पर खुश होकर के फूफा जी 50 रुपया हमारे लिए दे रहे हैं, हम फूफा के लिए बार बार नमस्कार कर रहे हैं और पार्टी की तरफ से बधाई दे रहे हैं फूफा श्री के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। इधर और ये फिर से बोल जाने पहचाने सोनू की सुपुत्र ललित डॉन, ये कलमबंदी 50 रुपया दे रहे हैं, पार्टी के लिए पार्टी धन्यवाद कर रही है मास्टर। ओए ऐसो रगड़ोगी राजा ए सोनू और इन तकतन पे डाल के और तबीयत में हरी करूंगी सिसकारी मार के, तबीयत में हरी करूंगी सिसकारी मार के, और ये बनवारी लाल भैया हमारी 50 रुपये हमारे गठेंगर निवासी मास्टर साहब लकिया मैंने रायचंद भैया हमारे हैं सैकंड वासी, ये 20 रुपए का पुरस्कार वाले खरीद रहे हैं और कहना उस्ताद वो रायचंद और तिले ले के जा रहे हो और कैसे जिए आरे साजन यादव, ये 20 रुपए मेरे मास्टर साजन गंगा बोली सरतिया मारे डारे अरे दया चौक बांधला
हमारी कलमत लिखनी है हमारी और सुमित भाई हमारी ये तो 10 रुपये लिखनी है फरमाश सारी मैट साहब और ये 500 रुपये हमारी अवध पाल भाई हमारी है चिलमापुर निवासी कह रहे दीपा रानी गाना होगा मरेगी होती रात दादा ने घोटी पे आई थी भंगिया 1000 रुपया फरमाश कटी जाएगी लगाए हेलो मास्टर अवध पाल कितने गए मास्टर मैं तो मर गई आती उस्ताद लकिया रात दादा ने गोट पियाई रही तो करंट हो तो 11000 एक मीटर तो खेच पाएगी और जान ले उठती हम खेचती हैं मोटे गुन गुन पाए जित तबाकू रगड़ के बैठे इनको सबज मारी बनवारी ये देखो बनी मौजी है फिर राजा
करनी है, 3000 रुपया ना दो। और ये मुलायम एक कलम 20 रुपए ग्राम है सर मुलायम। हेलो, और ये बलो माते